राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी वंशी। बाड़मेर में एसीबी का घूसखोर पकड़ो अभियान जारी है। पिछले एक सप्ताह में एसीबी ने 3 बड़ी कार्रवाइयां करते हुए 4 घूसखोरों को गिरफ्तार किया है। गत 8 जून को बाड़मेर एसीबी ने सोहटन पंचायत समिति की डेलुओं कतला ग्राम पंचायत के एलडीसी को 2000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, तो सोमवार को बाड़मेर ग्रामीण थाने के हेड कांस्टेबल को दलाल के साथ 10000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। वहीं आज जालौर एसीबी ने बाड़मेर में बड़ी कार्रवाई करते हुए सेड़वा तहसील के सरूपे कतला पटवार सर्कल के पटवारी को 5000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एसीबी के एडिशनल एसपी महावीर सिंह के निर्देशन में हुई कार्रवाई में सरूपे के तला पटवारी गिरीश ने म्यूटेशन भरने की एवज में 5000 की रिश्वत मांगी थी, जिसका परिवादी निजामुद्दीन ने एसीबी जालौर में शिकायत दर्ज करवाई थी। एसीबी ने सत्यापन करवाने के बाद आज ट्रैप का आयोजन कर घूसखोर पटवारी गिरीश को गिरफ्तार किया। एसीबी की लगातार हो रही कार्रवाइयों के बाद बाड़मेर जिले के सरकारी कार्यालयों में घूसखोरों के हवाइयां उड़ी हुई है। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि कटारा। सेवर थाना इलाके में नाबालिग बच्ची को बेचने का मामला आया सामने। जीजा ने अपनी नाबालिग साली को 30000 रुपए में शादी का झांसा देकर बेचा। थाना पुलिस ने नाबालिग को बेचने के आरोप में उसके जीजा तथा नाबालिग बच्ची को खरीदने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग बच्ची ने आरोप लगाया कि जीजा ने उसे शादी का झांसा देकर एक व्यक्ति को 30000 रुपए में बेच दिया, जिस पर पुलिस ने आज आरोपी जीजा और नाबालिग को खरीदने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग लड़की ने बताया कि अपने जीजा वीर सिंह के पास वह करीब 1 साल से रह रही थी, लेकिन 15 दिन पहले जीजा ने उसे जसवंत राम के व्यक्ति को बेच दिया जो कि हिंडौन के पास का रहने वाला है। केवर थाना अधिकारी अरुण चौधरी ने बताया कि नाबालिग लड़की के जीजा और खरीदने वाले आरोपी को पोस्को एक्ट में मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी सचिन ओझा। मानसून के आगमन की तैयारियों में जुटा कोटा जिला प्रशासन। एसडीआरएफ की टीम कर रही है चंबल नदी में अभ्यास और सीख रही है बाढ़ से रेस्क्यू करने की बारीकियां। मानसून से पूर्व एसडीआरएफ की ओर से बाढ़ और अन्य हादसों से त्वरित रेस्क्यू कैसे किया जाए, इसका अभ्यास कोटा में चंबल नदी में एसडीआरएफ की टीम के सदस्य कर रहे हैं। बाढ़ आने की स्थिति में मोटर बोट से कैसे त्वरित रेस्क्यू किया जाए, इसके साथ ही जल भराव होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों की जान बचाकर बाहर निकालने की ट्रेनिंग भी जवानों को दी जा रही है। एसडीआरएफ के 97 जवान चंबल नदी पर इस ट्रेनिंग को कर रहे हैं ताकि आपदा आने पर त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। एसडीआरएफ की टीम में महिला सदस्य भी शामिल हैं, जिनको भी रेस्क्यू ऑपरेशन की बारीकियों से अधिकारियों द्वारा मुखातिब करवाया जा रहा है। वहीं नगर निगम भी एक्टिव है और जल भराव का कारण बनने वाले बरसाती नालों की सफाई का कार्य जोर शोरों से किया जा रहा है। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर संभाग सोलर पावर का हब बनता जा रहा है। आज श्री गंगानगर में 748 करोड़ की लागत से बन रहे सोलर प्लांट का सांसद गंगानगर निहाल चंद ने निरीक्षण किया। एनटीपीसी द्वारा बनाए जा रहे इस सोलर प्लांट से बहुत हद तक बिजली की समस्या का हल होगा। 160 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ से होगा। सांसद निहाल चंद मेघवाल ने कहा कि निश्चित तौर पर इससे फायदा तो होगा ही सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, साथ ही साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। साथ ही निहाल चंद ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने, उसी के तहत ये प्लांट भी यहाँ पर लगाया गया है। इस दौरान एनटीपीसी के अन्य अधिकारी भी सांसद निहाल चंद के साथ रहे। सांसद निहाल चंद का कहना था कि श्रीगंगानगर के विकास के लिए जो कुछ बन पड़ा है केंद्र सरकार से, वो करवाने की कोशिश पहले भी रही है और आगे भी इस पर लगातार काम होगा। कोशिश यही है कि श्रीगंगानगर में केंद्र सरकार द्वारा नए प्रोजेक्ट लाए जा सकें ताकि यहाँ के आम आदमी को फायदा हो। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। कोरोना के भीषण दौर में मरीजों से दवाइयों के अधिक पैसे वसूल करने और इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने के मामले में आज उदयपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे ने बड़ा निर्णय लिया। शहर के भुवाना में स्थित मल्टी स्पेशलिटी शर्मा हॉस्पिटल को आगामी आदेशों तक के लिए सीज कर दिया, साथ ही चिकित्सालय की मान्यता भी निरस्त कर दी।
उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने आज एक बड़ा निर्णय लेते हुए शहर के भुवाना इलाके में स्थित शर्मा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की मान्यता समाप्त कर दी। कलेक्टर के आदेश के बाद CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी और उनकी टीम ने शर्मा हॉस्पिटल को सीज कर दिया, साथ ही किसी भी तरह के मरीजों के उपचार के लिए इसे अमान्य कर दिया। दरअसल कोरोना काल में शर्मा हॉस्पिटल द्वारा मरीजों से दवाइयों के अधिक पैसे वसूल ले जाने और इलाज में लापरवाही बरते जाने जैसी गंभीर शिकायतें थीं। पिछले दिनों प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी अपने दौरे के तहत शर्मा हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया था तो कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इस पर जांच कमेटी का गठन किया गया और आज जांच कमेटी की सिफारिशों के बाद जिला कलेक्टर ने शर्मा हॉस्पिटल की मान्यता समाप्त कर दी। CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी और प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर हॉस्पिटल सीजिंग की इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और साफ कर दिया कि आगामी दिनों में शर्मा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल किसी भी तरह के मरीजों का उपचार करने के लिए योग्य नहीं रहेगा। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी नवीन जोशी। कपड़ा नगरी भिलवाड़ा में सूदखोरों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि सूदखोरों के दबाव में आकर हर साल कोई ना कोई युवा ऐसे समय बच्चों को अपने गले लगा लेता है। ऐसी एक घटना भिलवाड़ा जिले के सापरा कस्बे में देखने को मिली। सापरा कस्बे के निवासी वसीम अकरम छिपा नामक युवक ने सूदखोर के दबाव में आज आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद में इस मामले का खुलासा तब हुआ जब घर के अंदर तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान वसीम अकरम छिपा का लिखा हुआ एक सुसाइड नोट मिला। इस सुसाइड नोट मिलने के बाद में इस बात का अंदेशा जताया गया। परिजनों ने आशंका जताई सूदखोरों के दबाव में आकर वसीम अकरम छिपा ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने इस बात को लेकर खासी नाराजगी जताई और नाराजगी जताते हुए सापरा थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सापरा कस्बे के निवासी वसीम कुमार छिपा ने सूदखोर से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद में उसके कमरे की तलाशी के दौरान सुसाइड नोट मिला। परिजनों ने सुसाइड नोट मिलने के साथ ही इस बात को लेकर खासी नाराजगी जाहिर की और सूदखोर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन व उनके जान पहचान के लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और तब तक शव उठाने से इनकार कर दिया जब तक कि आरोपी मोहसिन की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। बताया जा रहा है कि वसीम ने करीब 10 लाख रुपए में अपना भूखंड बेचकर सूदखोर को पैसा दिया था। उसके बावजूद सूदखोर उससे 35 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग कर रहा था। इसी बात को लेकर दबाव में आए वसीम छिपा ने आज आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद में ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने सापरा थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। शव को रखकर प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस भी कुछ देर तक असहज महसूस कर रही थी। सापरा कस्बे में सूदखोरों के आतंक से एक जहां युवक की मौत हो गई वहीं एक घर का चिराग भी बुझ गया। इस घटना के बाद में जहां एक और सापरा कस्बे में शोक की लहर है वहीं पुलिस के आला अधिकारी व SDM लगातार इस प्रयास में है कि इस मामले का किसी न किसी तरह से निस्तारण हो और जल्द से जल्द मृतक के शव का पोस्टमार्टम हो और शव परिजनों को सौंप कर उसका अंतिम संस्कार करा दिया जाए। मगर देर रात तक चार बार जो वार्ताओं का दौर परिजनों और ग्रामीणों के साथ में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने किया उसमें कोई अभी तक पुलिस को सफलता हासिल नहीं हो पाई है। आगे